मॉर्निंग क्लास टू। प्यारे बच्चों, आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं नवीन पाला बुक में आप सबों को रिवीजन कराने जा रही हूँ पार्ट चार का अभ्यास भाग। तो बच्चों, आप लोग अपना बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 28 का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सर्कस कंपनी किस शहर में आई थी? उत्तर, सर्कस कंपनी लखनऊ शहर में आई थी। दूसरा, सर्कस कंपनी में कौन कौन से जानवर थे? उत्तर, सर्कस कंपनी में शेर, भालू, चीता के सिवाय एक बंदर मिठू भी था। तीसरा प्रश्न, गोपाल मिठू के लिए घर से क्या क्या लाता था? उत्तर, गोपाल मिठू के लिए घर से चने, मटर, केले इत्यादि लाता था। चौथा प्रश्न, गोपाल ने अम्मा से एक अठन्नी क्यों मांगी? उत्तर, गोपाल ने मिठू को खरीदने के लिए अम्मा से अठन्नी मांगी। खा नंबर सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। पहला, गोपाल को शेर, भालू, चीता आदि अच्छे लगते थे। गलत। दूसरा नंबर, गोपाल हंसता हुआ माँ के पास आया। गलत। तीसरा, चीता भीतर चुपचाप लेटा था। ठीक। चौथा, गोपाल ने अपनी माँ से एक रुपया मांगा। गलत। आगे देखेंगे बच्चों, मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, सांप नचाने वाले को क्या कहते हैं? सपेरा। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तीसरा, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। चौथा, दो पालतू जानवरों के नाम बताइए, कुत्ता, गाय। प्यारे बच्चों, आज मैं इतना ही रिवीजन कराऊंगी। धन्यवाद।